अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। कीर्तन करते करते आप भी अनंत की यात्रा करो, अच्युत पद में स्थित हो जाओ। श्री कृष्णाय नमः, महते जाय नमः, सुंदराय नमः, मम देवाय नमः। श्री कृष्णाय, मेरा परमात्मा तीनों काल और चारों अवस्थाओं में परम सुंदर, सुंदर से सुंदर परमात्मा मेरा देव है।
सुंदराय नमः मम देवाय नमः श्रीकृष्णाय नमः महादेवाय नमः तेजों का तेज तेजों का पुंज संसार का तेज उसके आगे फीका हो जाता है श्री कृष्णाय नमः महातेजाय नमः सुंदराय नमः मम देवाय नमः श्री कृष्णाय नमः महान तेजों का पुंज मेरा परमात्मा संसार का तेज उसके आगे क्या है फीका है अनंत अच्युत गोविंद का जो उच्चारण करता है और जल में देखकर पानी पीता है उसका रोग भाग खड़ा होता है। ये रोग तो क्या भगवान नाम का जप करते करते भव रोग भी दूर भाग जाता है। इसलिए प्रीति पूर्वक आप भगवान नाम का उच्चारण करो श्री कृष्णाय नमः महातेजाय नमः सुंदर देवाय नमः श्री कृष्णाय नमः महातेजाय नमः सुंदराय नमः मधुदेवाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः वल्लभाय नमः पांडुरंगाय नमः केशव इस दरबार में अहंकार सजाना नहीं अहंकार विसर्जित करना है अच्युताय गोविंदाय नाम भेषजात नश्यन्ते सर्व रोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम् गोपालाय नमः श्री कृष्णाय नमः महातेजाय नमः सुंदराय नमः मम देवाय नमः श्री कृष्णाय नमः महातेजाय नमः सुंदराय देवाय नमः।
रक्षणाय नमः का शरीर जब युवा होता है तभी तक सुंदर लगता है, जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तब वो असुंदर दिखने लगता है, सुंदरता जाती रहती है। पर मेरा परमात्मा, मेरा देव सभी अवस्थाओं में परम सुंदर, परम स्वरूप, परम हितेशी, परम कल्याणकारी, बालकों के लिए भी सुंदर, युवाओं के लिए भी सुंदर, वृद्धों के लिए भी सुंदर, उसी सुंदर का अर्चन और पूजन करते करते आप भी आंतरिक सुंदरता को प्राप्त करो। अच्युत, मुझे भी उसी पद में स्थित करो जहां पहुंचने के बाद लौटाया नहीं जाता। केशवाय नमः, माधवाय नमः, वल्लभाय नमः, पांडुरंगाय नमः। प्रीति पूर्वक भगवान नाम का उच्चारण करने वाले पाप ताप संताप से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए प्रीति पूर्वक उच्चारण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विठ्ठलाय नमः, श्री रंग
जो गोविंद दामोदर अनंत अच्युत श्री हरि आदि इन मेरे नामों का उच्चारण करता है उनका दूर से त्याग करना। परंतु जो मनुष्य जन्म पाकर विषयों में लिप्त रहता है, जो जीवा द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करता, कानों के द्वारा सत्संग और मेरी कथा का श्रवण नहीं करता, सदा निंदा करता रहता है, जो अनमोल जीवन पाकर भी साधुओं का संग नहीं करता, केवल उन्हें ही अपना ग्राहक बनाओ यमदूतो। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, महते जाय नमः, देवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, महातेजाय नमः। मनुष्य में एक भारी सद्गुण है, वो है अपना बनाना, अपना मानना। पत्नी पुत्र परिवार कुछ वर्षों पहले आपके नहीं थे, कुछ वर्षों के बाद आपके नहीं रहे, फिर भी उन्हें आप अपना मानते हैं, अपना कहते हैं। इतने तक कपड़ा फट जाएगा, गल जाएगा, चोरी हो सकता है, कलर उड़ सकता है, रंग जा सकता है। वो कपड़ा भी यदि आप कुछ मूल्य देकर खरीदते हैं, यदि उसे कोई हाथ भी लगाता है तो आप कहते हैं रहने दे, ये मेरा है। क्योंकि आप में अपना मानने का स्वभाव है, अपना बनाने का गुण है। एक कपड़े को अपना मान सकते हैं, पत्नी पुत्र परिवार पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, उसे भी अपना मान सकते हैं। पर परमात्मा सदियों से आपका था, आप ही का है, आप ही का रहेगा, क्या उसे अपना नहीं मान सकते? उसे नहीं कह सकते कि परमात्मा मैं तेरा हूं, तू मेरा है? आपके चित्त में भक्ति प्रकट हो जाएगी, रस आने लगेगा। भगवान नाम का उच्चारण करते करते यदि आपको रस नहीं आता तो समझो आपने ठीक से उच्चारण ही नहीं किया। वरना भगवान नाम का उच्चारण और सत्संग का श्रवण नित्य प्रति जो करता है, भला उसे भय, तनाव, चिंता, शोक और कष्ट का सामना कभी करना पड़ता है? कदापि नहीं। श्री कृष्णाय नमः, महातेजाय नमः, सुंदराय नमः, मम देवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, महातेजाय नमः, सुंदराय नमः, मम देवाय नमः। अनंताय नमः, अच्युताय, गोपालाय नमः। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः।
में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में सेवा के द्वारा जो आनंद और परम वस्तु की प्राप्ति होती है, कलयुग में केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कलयुग के प्राणी को कितनी बड़ी छूट दी है। रा शब्द का आधा अक्षर भी जो कोई बोल लेता है मरते वक्त, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय पुत्र का नाम लेने में भगवान का नाम यदि उच्चारण हो जाता है, महापापी अजामिल भी भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी छूट! इतना भारी डिस्काउंट पाने के बाद भी यदि मनुष्य के जीभा के द्वारा भगवान नाम का उच्चारण और कानों के द्वारा सत्संग का श्रवण ना हो तो मनुष्य का दुर्भाग्य है। Good night.
में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तब नाचते हैं, बिना कहे आप ताली भी बजाते हैं, पैर भी उठाते हैं, पर भगवान के दरबार में भगवान का होकर नाचने से, कीर्तन करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है, आप भगवतमय होने लगते हैं। ये दरबार अहंकार सजाने का नहीं, अहंकार विसर्जित करने का है। एक बार परमात्मा के होकर देखो, आप क्या पाओगे बयान नहीं कर सकोगे। संसार के पीछे भागने से संसार भी नहीं मिलता और परमात्मा भी नहीं मिलता, पर परमात्मा के पीछे कुछ देर के लिए ही यदि उसको रिझाया जाए तो परमात्मा भी प्रसन्न और संसार भी पीछे पीछे भागता है।